अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पर वापस से स्वागत है। कल अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो तो मैंने आपको एक सपोर्ट दिया था $1808 का। ये देख सकते हो आप, कल का लो बना 1860-70 का। बस एक बार लो ही बना और वापस से मार्केट बाउंस हो गया। कल हमारे सपोर्ट से ही गोल्ड ऊपर आ गया और हमारा सपोर्ट के नीचे सस्टेन नहीं किया। आई होप आप कम से कम सेलिंग से तो बच ही गए होंगे। कल गोल्ड कोशिश कर रहा था ट्रेंड वीक करने की, वीक ट्रेंड में जाने की, लेकिन गोल्ड ने काफी अच्छा सस्टेन किया हमारे सपोर्ट के बाद और अभी फिलहाल 1815-40 के आसपास चल रहा है। इनफैक्ट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे गोल्ड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे पे चल रहा है 1830-1840। आज काफी डेटा है, जर्मन का अनएम्प्लॉयमेंट चेंज है, यूएस का सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है और शिकागो पीएमआई है। फिलहाल गोल्ड का सपोर्ट जो है वो कल वाला ही बना हुआ है, चेंज नहीं हुआ है। 1808 1807-50 के नीचे निकलेगा, 750 कह सकते हैं आप। कल 30 सेंट का थोड़ा सा एक कट लग गया था तो 1807-50 का आज सपोर्ट है। 750 $1860 से नीचे निकलता है तो ही गोल्ड वीक होगा, अदरवाइज पॉजिटिव जोन में है। रेजिस्टेंस है आज का $1826 का। $1826 के ऊपर निकलता है और सस्टेन होता है तो गोल्ड 1840 और 1850 तक जा सकता है। फिलहाल गोल्ड पॉजिटिव जोन में है तो सेलिंग अवॉइड कीजिएगा। अब आते हैं सिल्वर पे। यह है सिल्वर का चार्ट। 2391 तक के लोज आ गए थे कल, लेकिन सपोर्ट ब्रेक नहीं हुए। अभी $24.07 के आसपास सिल्वर चल रही है। आज का सपोर्ट भी सिल्वर का $23.90 का है। $23.90 के नीचे जाएगा और सस्टेन करेगा तभी सिल्वर वीक जोन में जाएगा, अदरवाइज सिल्वर पॉजिटिव जोन में है। आज का रेजिस्टेंस है $24.30 का। $24.30 ब्रेक होता है तो 24.50 और 24.70 तक जा सकता है। 23.90 के नीचे मार्केट वीक हो जाएगा, 23.50 तक जा सकता है। फिलहाल सिल्वर भी पॉजिटिव है तो सेलिंग अवॉइड कीजिएगा। अब देख लेते हैं क्रूड ऑयल। कल क्रूड ऑयल ने तकरीबन $68.70 तक के लोज बनाए, उसके बाद $59.40 तक के हाईस बनाए। क्रूड ऑयल पॉजिटिव जोन में ही है। आज का सपोर्ट है $68.30 का। $68.30 के नीचे निकलता है और सस्टेन करता है तो ही मार्केट वीक होगा, अदरवाइज क्रूड ऑयल पॉजिटिव जोन में है। आज का रेजिस्टेंस है $70.20, $70.20 के ऊपर $71 और $72 तक क्रूड ऑयल जा सकता है। फिलहाल क्रूड ऑयल पॉजिटिव जोन में है तो सेलिंग अवॉइड कीजिएगा। अब देख लेते हैं यूरो और ब्रिटिश पाउंड, उसके बाद देखेंगे एमसीएक्स के लेवल्स, निफ्टी के लेवल्स। दूसरे चैनल पे पोस्ट कर दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। निफ्टी के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यह है यूरो, जबरदस्त तेजी में है ये। इनफैक्ट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे पे चल रहा है 18.19। यूरो का आज का सपोर्ट है 17.80 का। 17.80 ब्रेक करेगा और उसके नीचे सस्टेन करेगा तो ही यूरो वीक जोन में जाएगा, अदरवाइज पॉजिटिव है। आज का यूरो का रेजिस्टेंस है 18.30 का। 18.30 के ऊपर 18.70 और 1900 तक जा सकता है। अब देख लेते हैं ब्रिटिश पाउंड, फिर आएंगे एमसीएक्स के लेवल्स। यह है ब्रिटिश पाउंड, 37.76 के आसपास चल रहा है। यह भी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे है। आज का सपोर्ट है 37.30 का। 37.30 के नीचे निकलेगा और सस्टेन करेगा तो ही मार्केट वीक होगा, अदरवाइज ब्रिटिश पाउंड पॉजिटिव है। आज का रेजिस्टेंस है 38.05 का।
38.5 के ऊपर निकलेगा और सस्टेन करेगा तो 38.50 और 3900 तक जा सकता है। फिलहाल ब्रिटिश पाउंड भी पॉजिटिव है तो सेलिंग अवॉइड कीजिएगा। MCX के लेवल्स, अभी गोल्ड चल रहा है 47,300 रुपये। MCX का आज का गोल्ड का सपोर्ट है 47,150। MCX गोल्ड सपोर्ट एट 47,150। आज का MCX का गोल्ड का रेजिस्टेंस है 460, रेजिस्टेंस एट 47,460। सिल्वर चल रही है 63,450। सिल्वर का आज का सपोर्ट है 62,720। सिल्वर सपोर्ट 62,720। सिल्वर रेजिस्टेंस एट 64,100, 64,100 रुपये। ध्यान रखिएगा ये लेवल 73.45 रुपये के हिसाब से दिए हैं जो INR चल रहा है। जब INR 5 बजे बंद होगा तो MCX से लेवल रिफ्रेश करूंगा मैं। रिफ्रेश लेवल आपको कम्युनिटी पोस्ट में दिख जाएंगे ज्वाइन का बटन दबा के। अब मिलूंगा कल के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। पेड सिग्नल के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलूंगा डायरेक्टली अब कल।